सिंगरौली जिले में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता राम शिरोमण सहवाल के द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण नेता की बेटी व सिंगरौली जिले के एक साहू समाज की बेटी की शादी को लेकर बधाई दी गई थी, जिसमें राम शिरोमण सहवाल ने लिखा है कि ब्राह्मण समाज की बेटी व साहू समाज की रोटी का संबंध हो जाने पर बहुत बहुत बधाई दी थी। इसी मुद्दे को लेकर विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मल्हार पार्क में बैठक की, जिसमें ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि राम शिरोमण शाह ने पूरे समाज को इस तरह के मुद्दे पर जोड़ा है जो गलत है, उसकी भावना गलत थी। वह व्यक्तिगत बधाई न देकर सिंगरौली के ब्राह्मणों के बारे में बोला है। इस बैठक व ज्ञापन के रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण शुक्ला, कुंदन पांडे, नरेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभी लोग थाने में पहुंचे व कांग्रेसी नेता राम शिरोमण सवालों के खिलाफ समाज व वैमनस्य पैदा करने के विरोध में ज्ञापन दिया। साथ ही कोतवाली थाने के सामने धरना भी दिया। कोतवाली प्रभावी द्वारा आश्वासन दिए जाने पर आंदोलन स्थगित किया। ये राम शिरोमण सवाल के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया है कि साहू समाज और ब्राह्मण समाज के रोटी और बेटी के रिश्ते की बात इन्होंने पोस्ट पे डाला है सोशल मीडिया पे, जो कि सरासर अन्याय है और इस तरह की अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके लिए इनके ऊपर कार्यवाही के लिए हम सभी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। नहीं, इसके पहले भी विरोध हमने किया है, कई मुद्दों पर हमने विरोध किया है, थाने में भी दिया है, ज्ञापन कलेक्टर साहब को भी दिया है, तो कई सारे मुद्दों में हम लोग हमेशा विरोध के लिए तैयार रहते हैं। और आज के विरोध में जो आप जनसंख्या देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि जितने लोग भी इस पोस्ट को देखे, इस अभद्र टिप्पणी का, राम शिरोमणि का देखा सहवाल जी का, तो इसके लिए कार्यवाही के लिए सब लोग अनियंत्रित हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग आगे, क्या चाहते हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर कार्यवाही हो। इसको हमने कल ही सोशल मीडिया पर लिख के फेसबुक पर डाला था, या तो आप माफ़ी मांगो, अपने पोस्ट को डिलीट करो, ऐसा नहीं करते तो हम लोग कल कार्यवाही करेंगे। इन्होंने अपने पोस्ट को ना तो हटाया है और न ही वहाँ पे माफ़ी मांगा है। हम इसके खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं, केवल जो भी कार्यवाही बने उसके तहत, जो भी कार्यवाही बने इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जो इस तरह के जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके लोगों को जिससे सबक मिले कि इस तरह का टिप्पणी हम समाज के खिलाफ ना करें। देखिए, ऐसा कि सबसे पहले तो हम लोग माननीय थाना प्रभारी जी को ज्ञापन के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक शब्द उनका बहुत अनुचित है। राम शिरोमण जी एक परिपक्व राजनेता हैं, इस बात को हम सब मानते हैं, लेकिन उनके मुंह से रोटी और बेटी का जो ये शब्द है, इससे हम लोगों को घोर आपत्ति है। ठीक है, आज समाज में ये बातें देखने को आई हैं कि अंतर्राज्यीय और अंतर्जातीय शादियां होती हैं, ये सब ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के बीच का है, लेकिन उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उछालना और दो परिवारों के बीच रोटी और बेटी का दे करके समाज में बन रहे समरसता को गलत तरीके से ये करना, दो समाज के बीच खाई पैदा करना, ये अनुचित है। इसके लिए हम सब लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर के तले यहाँ पे आए हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। अगर राम शिरोमणि जी माफ़ी मांगते हैं तो हम सब लोग इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सब लोग तय हैं। अगर सोशल मीडिया पर उन्होंने इस चीज़ को डाला है तो सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी भी मांग लें, हम सब लोग इसके बाद से इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। निवासी बैठन द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध या ब्राह्मण समाज के संबंध में किसी वैवाहिक के कार्यक्रम से संबंधित एक टिप्पणी की गई थी, उसके संबंध में ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले ब्राह्मण समाज के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा और कुछ अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही का के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि हमारी भावनाएँ इनकी टिप्पणी से आहत हुई हैं। तो उस ज्ञापन को हमने प्राप्त किया और उसका परीक्षण करा करके जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। अब मैंने तो जवाब उनको दे दिया है कि जो भी इसमें वैधानिक कार्यवाही बनती है कानून के नजर में, वो हम करेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।